बच गया बिगुल बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय में आज भाकपा माले की ओर से श्री कुलर मार्च का आयोजन किया गया। पार्टी कार्यालय से निकल गई है मार्च, शहर के कैंटिंग चौक पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबरी विध्वंस कार्यों को अविलंब सजा देने, सदस्यता खत्म करने जैसे नारे लगाए। 30 मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने एनआरसी का विरोध करते हुए इसे जल्द से जल्द समाप्त करने की मांग भी की है। कार्यकर्ताओं के निशाने पर खासतौर आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा और सांसद प्रज्ञा ठाकुर और साक्षी महाराज निशाने पर रहे। प्रश्न प्रज्ञा ठाकुर, साक्षी महाराज, आरएसएस और बजरंग दल द्वारा चुन चुनकर मुसलमानों का निशाना बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही आरोप एक बार फिर भाकपा माले ने लगाया है। एनआरसी खत्म करो सांसद प्रज्ञा ठाकुर और साक्षी महाराज के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी संस्था को समाप्त करने जैसे नारे को लेकर आज भाजपा वाले ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक सेकुलर मार्च निकाला गया जो पार्टी कार्यालय से लेकर कैंटीन चौक पर जाकर खत्म हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में चुन चुनकर मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1995 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। बेगूसराय से रिपोर्टर नबी आलम की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद को भाजपा आरएस के गुंडों ने विध्वंस कर दिया था, लेकिन आज तक जो विध्वंसकारी ताकते हैं, अभियुक्त हैं, उन्हें सजा नहीं मिला है। इस लेकर बाबरी मस्जिद के विध्वंसकों को हम सजा की मांग करते हैं और साथ ही साथ आज प्रज्ञा ठाकुर हो या साक्षी महाराज सांसद, इनकी सदस्यता को हम रद्द करने की मांग करते हैं। और आज जो आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज आरएसएस और बजरंग दल संघ परिवार जो है, आज एक मुस्लिम को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, इसका हम तीखी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं अविलंब जो है एनआरसी जो है इसे रद्द किया जाए और नागरिक संशोधन बिल को वापस लिया जाए। आज जो है सांप्रदायिकता के आधार पर पूरे देश में एनआरसी किया जा रहा है। आज जो है आप असम डिटेंशन कैंप लोकतंत्र का कत्लगाह बन गया है, वहाँ महिला बच्चा जो है आज पूरे दिन झेल रहे हैं, इस लेकर वो डिटेंशन कैंप को हम बंद करने की मांग करते हैं। और साथ ही साथ आज जो है आप देख रहे हैं किस कदर जो है खास करके अल्पसंख्यकों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। बाबरी क्या है इसमें? बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट का में जो मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ही ने कहा है जो 1947 तक नमाज पढ़ा गया है और उसके बाद में जो मूर्ति रखी गई है रामलला की, उससे विवाद हुआ है, कंट्राडिक्टिव है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है वे गलत हुआ, 1992 में जो मस्जिद ढाही गई वो भी गलत है। जब गलत सुप्रीम कोर्ट मान रही है तो आस्था के सवाल पर आखिर डिग्री क्यों, न्याय क्यों? आज आस्था के सवाल पर किसी के जमीन पर कोई आस्था जतावे, किसी के जोरू पर आस्था जतावे,
इसका मतलब है उसकी जमीन और जोरू जो है आस्था जताने वालों का हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हम मेल नहीं खाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से देश में धार्मिक उन्माद को और बढ़ावा मिला है। आज आगरा का ताजमहल, काशी मथुरा और दिल्ली जमा मस्जिद पर भी संघ परिवार धावा बोल रहा है। इस लेकर रिव्यू जो पिटीशन पड़ा है उस पर हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज से उसे रिव्यू किया जाए और टाइटल सूट के आधार पर न्याय दिया जाए। क्या नाम? दिवाकर कुमार, भाकपा माले जिला।